वालेकुम। 1992-93 में एक बार मैं अपने प्रिंसिपल साहब का मदरबोर्ड फिक्स कर रहा था और पूरी रात लगाने के बाद मेरा माइक्रो प्रोसेसर डैमेज हो गया उसका। पूरी रात मैं डिप्रेस रहा। अगले दिन मैंने अब्बू को बताया कि मेरे प्रिंसिपल साहब का मदरबोर्ड है, अब मैं प्रिंसिपल साहब को क्या शक्ल दिखाऊं, मैंने उनको इतना बड़ा लॉस कर दिया। तो अब्बू ने मुझे समझाया, बेटा लॉस तुम्हारे कस्टमर का नहीं हुआ, लॉस तो तुम्हारा है यहाँ पे। तो अब आप एक काम करो, जाके ये नया मदरबोर्ड खरीद के लाओ। 8-9 हज़ार रुपये का लॉस हुआ था उसमें मेरा, बहुत बड़ी अमाउंट थी 1992-93 में। तो नया मदरबोर्ड खरीदा और अब्बू ने कहा कोई बात नहीं, ये पैसे तुम अगले क्लाइंट से बना लेना। अच्छा, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को कि आज के माँ बाप ने हम लोगों को डराया बहुत ज़्यादा है। माँ बाप डराते हैं आपको, नहीं नहीं बेटा किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करना, किसी के साथ वो तुम्हें लूट लेगा। नेगेटिव बायस इतनी ज्यादा हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो चुकी है, तो डर और खौफ की फिजा है। डर और खौफ की वजह से डरपोक बुजदिल एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में क्रिएट होते हैं, जो डर और खौफ की वजह से ट्रांजेक्शन नहीं करते, लोगों के साथ मामला नहीं करते, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होने की वजह से उनकी ग्रोथ कम होती है। अच्छा, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब लोगों को पता है कि एक्सट्रीम कॉमर्स के आने से पहले ये एनवायरनमेंट था पाकिस्तान का, और मैंने आके आप लोगों को पुश डंडा दिया, सबको पुश करना शुरू किया, पार्टनरशिप करो, पार्टनरशिप करो, पार्टनरशिप करो, पार्टनरशिप करो। क्यों करो पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इसलिए करें आप लोग कि एज अ सोलो आपके पास लिमिटेड एक्सपर्टीज हैं और आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स में बहुत सारी लैकिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स रातों को जागने का आदी है और सर्टेन वे में काम करता है। दूसरा शख्स जो सोशल है, जो शख्स सोशल ज़्यादा होता है वो अमूमन एक्सट्रोवर्ट होता है, उसकी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी लिमिटेशंस हैं, उसकी अपनी स्ट्रेंथ हैं, अपनी कुछ वीकनेसेस हैं। मैं अगर मोटिवेशनल स्पीकर होता तो मैं आप लोगों को पंप करता, बिजनेस करो, अकेले करो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। दो दिन के लिए आप भी पंप अप हो जाते हैं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तीसरे दिन आप कहते हैं आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट डू इट। ये है मसला। तो मैं आप लोगों को वीकनेस को इम्प्रूव करने का नहीं कहता। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला आप लेजी हैं, अच्छा भाई सुबह 5 बजे उठा करो, योगा वोगा करो, तुम बेहतरीन हो जाओगे। मैं तो नहीं कहता, मुझे पता होना तो है नहीं इस बेचारे से। कितने लोग हैं जो अपनी वीकनेस को इम्प्रूव कर पाएंगे सोसाइटी के अंदर? बहुत कम लोग, बहुत कम परसेंटेज है। तो मैं एज अ स्ट्रेटेजिस्ट आप लोगों को सोल्यूशन दे रहा हूँ। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन गौर से सुने। एज अ सोलो वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं, मैं भी एज अ सोलो ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं हाइब्रिड हूँ, मैं फाइन लाइनर और बॉटम लाइनर का मिक्सचर हूँ। इसके अलावा मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। सेल्फ मोटिवेटेड वो शख्स होता है जो रात को मायूस होता है और सुबह दोबारा मोटिवेटेड खड़ा हो जाता है, आई विल डू इट। तो हर शख्स ऐसा है नहीं। लोगों को एक्सटर्नल मोटिवेशन की डोज चाहिए होती है, तो वो फिर आप मोटिवेशन स्पीकर के पास जाएंगे, वो आपको मोटिवेट करेगा, पंप करेंगे, फिर आप दोबारा अपना सफर स्टार्ट करेंगे, फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आपको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होगी किसी से। तो पार्टनरशिप में ये मसले हल हो जाते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप वाइबल कौन सी है? पार्टनरशिप को समझने से पहले हम पहले इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज को समझ लें। उसके बजाय ये कि स्कूल ने हमें ये नहीं सिखाया, स्कूल ने तो हमें बताया ही नहीं कि बेटा आप इंट्रोवर्ट हैं कोई बात नहीं आपके पैसे ऐसे बनेंगे, बेटा आप एक्सट्रोवर्ट हैं कोई बात नहीं आपके पैसे ऐसे बनेंगे। हमें स्कूल ने ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाए। फाइन लाइन बॉटम लाइन कभी आप गूगल पर डालें, मेरी तस्वीर आ जाएगी सामने। मैंने तो चीख चीख के आप लोगों को बताना शुरू किया है कि भाई ऐसा इंसान फाइन लाइनर कहलाता है, ऐसा इंसान बॉटम लाइनर कहलाता है। आप दोनों का सोल्यूशन है, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लो, दोनों के पैसे बनेंगे। कैसे? सबसे पहले इंट्रोवर्ट समझ लें आप लोग। इंट्रोवर्ट वो शख्स है जो फोकस के साथ काम करता है और वो ज्यादा सोशलाइज नहीं करता, वो लोगों के साथ बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करता, मिलता जुलता नहीं, उसके दोस्त भी कम होते हैं। उसकी वजह से ऐसा शख्स अगर कोई स्किल सीखने की कोशिश करता है तो वो उसमें एक्सीलेंस हासिल कर लेता है। फोकस बहुत है, टाइम बहुत है उसके पास, फोकस भी है, टाइम भी है। अच्छा, इसी तरीके से एक्सट्रोवर्ट वो शख्स होता है जो सोशलाइज करता है, हर वक्त लोगों का हेलो 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 लगा रहता है, मिलता जुलता है, चाय पीता रहता है सारा दिन, गली मोहल्ले में आवारागर्दी करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और मजे की बात बताता
था। मजे की बात यह है, इंट्रोवर्ट के माँ बाप बेचारे परेशान है, हमारा बेटा ऐसा क्यों है, हर वक्त कमरे में क्यों लॉक रहता है, क्या बनेगा इसका बेचारे का। बेचारा लड़का भी कह रहा है मेरा क्या बनेगा। अच्छा उधर एक्स्ट्रोवर्ट बेचारा, उसके माँ बाप भी परेशान है, ये हमारा बेटा इतना आवारा क्यों है, सारा दिन गलियों में घूमता रहता है, इसका क्या बनेगा। अच्छा माँ बाप ने सबने एक ही तरीके को समझ लिया है, पैसे बनाने का एक ही तरीका है, वो है नौकरी। अच्छा इंट्रोवर्ट के माँ बाप कह रहे हैं जाओ बेटा नौकर बनो, एक्स्ट्रोवर्ट के माँ बाप कहते हैं जाओ बेटा नौकर बनो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के इंट्रोवर्ट नौकरी में स्ट्रगल करता है, इसलिए कि वो रातों का जागने का आदी हो जाता है, क्योंकि रात में मिलता है उसको सुकून, रात में मिलता है उसको फोकस, कोई शोर शराबा नहीं है चारों तरफ, वो फोकस के साथ मजे से अपने काम करता है। जॉब में ये लड़का कम सैलरी बनाता है, क्योंकि जॉब में सैलरी वो लोग ज्यादा बनाते हैं जो डिसिप्लिन भी होते हैं, हाई इंटेलेक्ट भी होते हैं, फास्ट लर्नर भी होते हैं, हार्डवर्किंग भी होते हैं, और वो सुबह सुबह उठने के आदी होते हैं, ऐसे लोग जॉब में बड़ी स्पीड में ग्रो करते हैं। ये बेचारा ग्रो नहीं हुआ, सैलरी इसको भी मिलेगी, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अब अच्छा उधर एक्स्ट्रोवर्ट का क्या प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रोवर्ट का मसला ये, वो इतना सोशलाइज कर रहा है, गली मोहल्ले में मिल रहा है, चाय वाय पी रहा है, सारा दिन हमारा गर्दी कर रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा जब टाइम नहीं है तो फोकस की कमी है, फोकस की कमी है तो वो किसी एक स्किल में महारत नहीं हासिल कर पाता, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन बन जाता है। बेचारे को कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो एक्सपर्टीज ही नहीं है, और वो बेचारा खुद परेशान है कि मेरा क्या बनेगा। मैंने आप लोगों को सोल्यूशन ये बताया है कि एक्स्ट्रोवर्ट चूंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन है, उसको चाहिए बेचने के स्किल्स पर फोकस करे। जिस शख्स को बोलना आता है, कम्युनिकेशन अच्छी है, उसे चाहिए वो बेचने के स्किल पर फोकस करे। बेचने का स्किल कैसे आप बिल्ड करेंगे, आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, सेल्स को इम्प्रूव करें, मार्केटिंग के स्किल्स इम्प्रूव करें, और हमारी ऑनलाइन की दुनिया में आप 6C पर काम करेंगे। 6C क्या है, फाइबर के ऊपर रैंक कैसे करना है, फाइबर के ऊपर बेचना कैसे है, अपवर्क के ऊपर कैसे बेचते हैं, वेबसाइट के ऊपर कैसे बेचना है, फेसबुक के ऊपर कैसे बेचना है, लिंक्डइन पे कैसे बेचना है। आप इन स्किल्स पे फोकस करें, इनमें महारत हासिल करें, क्योंकि ये आपका ब्रेड एंड बटर है। इंट्रोवर्ट ऑन द अदर हैंड ये फाइन लाइनर होता है, एक्स्ट्रोवर्ट बॉटम लाइनर होता है। फाइन लाइनर वो शख्स होता है जो स्किल में महारत हासिल कर लेता है, उसके अंदर घुसता चला जाता है, उसमें मास्टर के लेवल तक चला जाता है, और एक्सीलेंस हासिल करने के बाद वो उसके अंदर बाल की खाल तक उतार देता है, वो इतना डीप चला जाता है। बॉटम लाइनर इतना डीप नहीं जा पाता तो वो महारत नहीं हासिल करता। अब दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं अपने दौर में, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉटम लाइनर कह रहा है मैं कस्टमर तो घेर के ले आया हूं, उसके लिए कस्टमर घेरना बहुत आसान काम है, लेकिन डिलीवर करना स्ट्रगल है। फाइन लाइनर के लिए डिलीवर करना आसान काम है, लेकिन कस्टमर को घेरना सबसे डिफिकल्ट काम है। अच्छा अब आइए एक और पॉइंट बताता हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्स्ट्रोवर्ट हूँ, मुझसे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, मुझे लगता है मेरे अंदर दोनों एबिलिटीज हैं, मैं हाइब्रिड हूँ, मैं मिक्स हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। पहले आइडेंटिफाई करें, आसान तरीका बताता हूँ आपको। इंट्रोवर्ट को इनकमिंग फोन कॉल से मौत पड़ती है, इनकमिंग फोन कॉल डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है, और इंट्रोवर्ट का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये शाय होता है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी को इंट्रोवर्ट नहीं कहते, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ये दिमागी बीमारियां हैं, ये दिमाग की कंडीशन को इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कहते हैं हम लोग। इंट्रोवर्ट का दिमाग सर्टेन वे में काम करता है, वो इंटरप्शन नहीं बर्दाश्त करता, इंटरप्शन आने से उसका गुस्सा पीक पे चला जाए, एकदम ब्लड प्रेशर दिमाग में जाएगा उसके इनकमिंग कॉल की वजह से। उसको कोई शक कहता है जी मैंने फोन पे बात करनी, वो कहता भाई टेक्स्ट पे कर लो ना। एक्स्ट्रोवर्ट ऑन दी अदर हैंड कहता है जी जी बिल्कुल अभी करते हैं फोन के ऊपर बात, खुशी खुशी फोन पे बात करता है वो। तो अगर आपको इनकमिंग आउटगोइंग फोन कॉल से मौत पड़ती है, आप इंट्रोवर्ट हैं, लाइकली इंट्रोवर्ट हैं। अगर आप बहुत खुश हैं, फोन कॉल इनकमिंग आउटगोइंग कोई मसला नहीं है आपके लिए, आप एक्स्ट्रोवर्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे अंदर तो मिक्स एबिलिटीज हैं, तो अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि मैं इंट्रोवर्टेड ज्यादा हूँ, उन्हें एम्बीवर्ट कहते हैं। एम्बीवर्ट एक्स्ट्रोवर्टेड नेचर के भी होते हैं, एम्बीवर्ट इंट्रोवर्टेड नेचर के भी होते हैं। इसी तरह कुछ लोग ओमनीवर्ट होते हैं, कभी इंट्रोवर्ट कभी एक्स्ट्रोवर्ट, कभी इंट्रोवर्ट कभी एक्स्ट्रोवर्ट। ठीक है, आप अपने आप को पहले फाइंड आउट करें आप हैं कौन। अच्छा सनी भाई ठीक है मैंने फाइंड आउट कर लिया मैं कौन हूँ, तो
मैं फिर फाइन लाइनर बनूं या बॉटम लाइनर। भाई अगर इंट्रोवर्टेड नेचर ज्यादा है तो फाइन लाइनिंग ज्यादा सूट करेगी आपको, आपके पास टाइम भी है, आपके पास फोकस है और आप रातों को जागना पसंद करते हैं, या कुछ लोग नहीं भी पसंद करते तब भी फाइन लाइनर बन जाते हैं कोई इतना, सिर्फ मसला ये कि फोकस है, टाइम है। बॉटम लाइनर ऑन द अदर हैंड सोशलाइज बहुत ज्यादा करता है, टाइम की कमी होती है, वो एक स्किल में मास्टर नहीं बनेगा, वो मल्टीपल स्किल्स में हरफन मोला बन जाता है, वो बेचने के स्किल पे ज्यादा फोकस करेगा, आप टेक्निकल स्किल पे ज्यादा फोकस कर लें। अब आप दोनों पार्टनर बन जाएंगे एक दूसरे का, सोलो करेंगे आप दोनों स्ट्रगल करेंगे, सोलो में हाइब्रिड इंसान सक्सेसफुल है जो सेल्फ मोटिवेटेड है, आप दोनों पार्टनरशिप कर लें एक दूसरे के साथ, आप दोनों का मसला हल हो गया, ये क्लाइंट घेर के लाएगा, आप डिलीवरी पे फोकस करें, ये है आप लोगों का राइट कॉम्बिनेशन। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट या फाइन लाइनर बॉटम लाइनर जब मिलके काम करेंगे दोनों का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी मैं इंट्रोवर्टेड ज्यादा हूँ लेकिन मैं बॉटम लाइनिंग करना चाहता हूँ, आप करके देख ले, नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि कस्टमर को कम्युनिकेट करना, घेरना, अप्रोच करना ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, अपनी स्ट्रेंथ से पैसे कमाने की कोशिश करें, बजाय कि आप अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, मैं जबरदस्ती आपको नहीं बोलूंगा जी यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, मुझे पता है आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत कम लोग हैं जिनसे हो पाएगा ये काम। तो पार्टनरशिप के ऊपर काम करें, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लें, फाइन लाइनर बॉटम लाइनर मिलके काम करें और आप दोनों मिलके AOP खोल लें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लें, ये अब आपके ऊपर है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि जी सनी भाई, मैंने एक पार्टनर के साथ काम किया, वो भाग गया, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, मुझे राइट पार्टनर नहीं मिल रहा। भाई राइट पार्टनर ऐसे थोड़ी कि कल ढूंढने जाएंगे आपको मिल जाएगा। अच्छा एम्प्लॉय चाहिए आपको, अच्छा बिजनेस पार्टनर चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए। इन तीन कामों को करने के लिए हायर फायर हायर फायर हायर फायर हायर फायर सीखें आप लोग। नहीं बंदा समझ आए मूव ऑन, नहीं बंदा समझ आए मूव ऑन, नहीं बंदा समझ आए मूव ऑन करें, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आपको इवेंचुअली 6 महीने में अच्छा एम्प्लॉय भी मिल जाएगा, आपको अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा, अच्छी बीवी मिल जाएगी आप लोगों को। बीवी को फायर करने की बात नहीं कर रहा, बीवी बनाने से पहले रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन जो आप किए जा रहे हैं उसमें हायर फायर हायर फायर हायर फायर आप कर रहे हैं। नहीं समझ आ रही मूव ऑन करें, जब तक आपके मतलब का इंसान आपको नहीं मिल जाता, ये है राइट तरीका। तो ये करने के बाद आपको 6 महीने साल में आपकी एक अच्छी टीम बिल्ड हो जाएगी, अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलने से आपका बिजनेस 10x ग्रो करता है। आपका बिजनेस पार्टनर और आप दोनों मिलके जान लगाते हैं बिजनेस के अंदर। मैं 2 पार्टनर्स को ज्यादा इंकरेज करता हूँ, 3 को ज्यादा इंकरेज नहीं करता। 3 कर सकते हैं, 33 33 33 का आप लोग कर लें, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इनकरेज नहीं करूंगा। अच्छा, अब आप कहते हैं जी एक शख्स Amazon का PL का एक्सपर्ट है, मैं उसके साथ पार्टनरशिप कर लेता हूँ, फिर होलसेल वाले के साथ भी कर लो, फिलहाल वाले के। भाई अगर इस तरह करेंगे तो आपके 10 पार्टनर हो जाएंगे, सबके हिस्से में 10% आएगा। Shopify वाले के साथ अलग पार्टनरशिप कर ली, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। 10 पार्टनर लड़ लड़ के मर जाएंगे सारे, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको करना चाहिए सिर्फ 2 पार्टनर और बिजनेस यूनिट्स क्रिएट करें, मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स बनाए, Shopify का अलग, PPC का अलग, मल्टीपल स्किल्स के बिजनेस यूनिट्स खड़े कर लें आप लोग। एनीवेज, इस वीडियो में पॉइंट जो फोकस था वो ये था कि 2 पार्टनर्स राइट कौन से हैं, आपने कोशिश करनी है कि बुजदिल लोगों से दूर रहें, कंजूस लोगों से दूर रहें और आपने शकी मिजाज लोगों से दूर रहना, क्योंकि तीनों पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं ये लूजर्स की हैं। लूजर शकी मिजाज होता है, दूसरों के बारे में नेगेटिव जजमेंट रखता है, नेगेटिव बायस रखता है। शकी मिजाज शख्स जो है वो ट्रांजेक्शन कम करता है दूसरों के साथ, कंजूस इंसान वैसे ही ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहता। और फिर जो आपका जो बुजदिल इंसान है, वो माँ बाप ने उसको बहुत ज्यादा डराया हुआ है, सोसाइटी ने उसको डरपोक बना दिया है, डरपोक इंसान भी ट्रांजेक्शन कम करता है। इन 3 लोगों से दूर रहें, ये 3 लोग खतरनाक हैं। लूजर आपको ड्रैग करके आपको भी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी आपको और आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो विनर के साथ पार्टनरशिप करें। तो पहले आप जिस शख्स से ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, जिसे अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझें। वो दलेर भी होना चाहिए, रनी भी होना चाहिए और शकी मिजाज नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट करने वाला होना चाहिए। अच्छा, ये आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना है ये फाइन लाइनर बॉटम लाइनर है, वो ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करें। अपने से ऑपोजिट ट्रेट वाले के साथ पार्टनरशिप करेंगे आप, आपका बिजनेस 10x ग्रो करेगा उसके बाद।
ठीक है, ये चीजें किताब में नहीं पढ़ाई गई, काश स्कूल सिस्टम में ये सब पढ़ाया जाता, काश। ठीक है, बहरहाल आप लोग लकी हैं, आप लोग ये सब सुन रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।